नमस्ते, मैं विरेन आप सबका स्वागत करता हूं आर्ट टाइम्स के स्मार्ट टॉक प्रोग्राम पर सोशल मूवमेंट विद विरेन। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम आपको दो ऐसे व्यक्तियों से मिलवाने जा रहे हैं जो इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में अपने खर्चे पर और बाकी सब लोगों की छोटी छोटी सपोर्ट से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको वाकई में इस वक्त आप सबकी ज़रूरत है। इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन पर ऐसे लोग जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो ख़त्म हो गया। उनके पास डेली नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारे दो जो आज के मेहमान हैं उन्होंने एक इनिशिएट किया कि किस तरीके से वो ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन उनसे कराता हूँ। तो हमारे साथ हैं मान सिंह जी। मान सिंह जो हैं वो एक अध्यापक हैं और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और साथ ही हैं एडवोकेट वतन भटनागर जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इन दोनों मेहमानों के साथ आपकी बात कराएंगे। मान सिंह जी और वतन भटनागर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आर्ट टाइम्स के स्मार्ट टॉक प्रोग्राम पर। नमस्कार। तो मेरा सबसे पहला सवाल है वतन भटनागर जी से कि वतन भटनागर जी, आपके मन में ये जन सहयोग का जो विचार है वो कहाँ से आया और कैसे आया? जी सर, एक्चुअली जो हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर मान सिंह जी, ये पेशे से अध्यापक हैं और ये 5 नंबर गली में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इनके पास जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चों से ये फीस भी नहीं लेते हैं। तो जिस दिन मोदी जी ने इसका अनाउंस किया था कि अब देश में लॉकडाउन होने वाला है, इन्होंने क्या किया कि उन बच्चों से संपर्क किया जिन लोगों से ये ट्यूशन फीस नहीं लेते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो पहले हमने उन बच्चों से शुरुआत करी, बच्चों ने फिर दूसरे बच्चों को बताया, उन बच्चों के थ्रू हमें दूसरे परिवारों के बारे में पता लगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अब थोड़े बड़े लेवल पे करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आ रहे थे जिनको राशन की या खाने पीने की नीड थी। तो इस तरह हमारे मन में आया और हमने इसको शुरू किया। मान सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अब तक कितने लोगों को राशन वितरित किया है और कितनी धनराशि आपने अब तक लगा चुके हैं? देखिए, शुरुआत जब की थी ना, तो हमारे पास हमने ये नहीं सोचा था कि बहुत सारे लोग आएंगे। तो शुरुआत में मुझे 8, 10 या 15 फैमिली मिली, लेकिन उनसे अप्रोच करके और लोग हमारे पास आने लगे। और फिर हमने बांटना जब स्टार्ट किया तो हम एक दिन में कम से कम 100 परिवार को उपलब्ध करा देते थे राशन। तो इस प्रकार देखा जाए कि आज हमें 20वां दिन है। अब हमने रिकॉर्ड है, ज़्यादा तो हमने लिखा नहीं कि पहले हम बिना लिखावट के बांटते रहे, अब हमारे पास लगभग है। तो देखा जाए तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम 1000 परिवार तक राशन पहुँचा चुके हैं। 1000 परिवार तक? जी। तो वतन भटनागर जी, आप बताइए कि इस पूरे आपका जो ये सामाजिक कार्य है, इसमें अब तक करीब कितना खर्चा आया होगा? सर, इसमें अभी तक खर्चा हमारा शायद 1.5 लाख के अराउंड आ चुका है, क्योंकि हमारा हर दिन का जो खर्चा बैठता है वो 7-8 हज़ार रुपये पर डे का बैठता है। और आज हमें लगातार इस काम को करते हुए 20वां दिन है, तो अप्रोक्सीमेट हमें शायद 1.5 लाख के करीब हमारा खर्चा आ चुका है। 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आ चुका है। जी। तो आप, मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि ये आप धनराशि कहाँ से लाए हैं, कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया? जी, एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हमने इसको शुरू किया था तो मानसिंह जी के माइंड में ये आइडिया सबसे पहले आया था कि हमें लोगों की मदद करनी है। उन्होंने पहले अपने दोस्तों को, उसमें से एक मैं भी था, मुझे अप्रोच किया, कुछ हमारे जो इनके मकान मालिक थे उन्हें अप्रोच किया, तो हम लोगों ने मिलके पहले उसकी शुरुआत की थी फंड की। फिर हमारे पास जब लोग रोज आने लगे तो हमें लगा कि अब हमें इसे रोज कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने बाकी दोस्तों से मदद मांगी, हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाला, तो इस तरह से हमें काफी डोनेशन मिलने लगा। तो उस डोनेशन से हमारे पास रोज का डोनेशन जो आता है वो खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं, इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता रहा।
ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी रही कि हम इस काम को अब तक रोक नहीं पाए हैं और हमें बराबर पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है। जी 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 मानसिंह जी, आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि आपके पास जो ये धनराशि आ रही है ये किस तरीके से आ रही है आपके पास में? देखिए, जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उनका नाम है श्री विजय जैन और उनके पिताजी हैं उनका नाम है टीपी जैन। तो विजय जैन और टीपी जैन जी इस तरीके से क्या है कि वो बहुत ही मतलब जनरस व्यक्ति हैं और तो उन्होंने हमें काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया, उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने पैसा डोनेट किया। और एक हमारे टीचर हैं श्री ओमपाल चौधरी नाम उनका, वो मौजपुर में इंग्लिश क्लासेस पढ़ाते हैं। तो जब मैंने उनसे बात की, सर ने कुछ पैसा डोनेट किया और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो SSC लेवल का पढ़ाते हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को अपील की कि वो भी ये सब करें। तो उन बच्चों ने पेटीएम के थ्रू पैसे भेजे और इसके बाद में मैं एक भैया से और मिला जिनका नाम विवेक श्रीवास्तव मोहित विजय करके हैं, तो उन भैया ने भी हमारे पास पेटीएम में काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया। और कई बार क्या होता है कि लोग हमें राशन दे जाते हैं सीधे, हम पैसे नहीं लेते किसी से, हम ये करते हैं कि अगर राशन मिल जाता तो राशन बांट मिल जाता तो राशन बांट देते हैं, और अगर कहीं से पैसा आता है तो हम क्या करते सीधे हम दुकानदार को पेटीएम करवा देते हैं, वहाँ से उतने रुपये का सामान परचेज करते हैं। जी 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 जी, तो आपके पास डिजिटल प्रोसेसिंग के थ्रू भी डोनेशन आ रही है? कुछ लोग मतलब डिजिटल पे कर देते हैं, कुछ लोग हाथ में दे जाते हैं और कुछ लोग राशन दे जाते हैं। जी जी जी, अच्छा वतन जी ये बताइए कि आपने जो राशन किट तैयार की है उसमें कितनी मात्रा में आप सामान दे रहे हैं और ये आप कैसे कर रहे हैं? जी, जब हमने इसको 27 मार्च से शुरू किया था तो स्टार्टिंग में हम 5 किलो आटा और 2 किलो चावल से इसकी शुरुआत की। फिर हमने देखा कि कुछ लोग इसको स्टोर करना शुरू कर चुके थे तो हमने उसकी क्वांटिटी को हाफ किया, हमने 2.5 किलो आटा और 1 किलो चावल डोनेट करना शुरू किया ताकि लोग इकट्ठा भी ना कर पाए और उससे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच भी पाए। फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ लोगों की नीड इस तरह से आई कि किसी के घर में तेल खत्म है, किसी के यहाँ नमक नहीं है, किसी के यहाँ मसाला नहीं है, तो जिस जिसकी हमें जिस तरह से नीड मिलती रही हम उस तरह से अपनी किट में ऐड करते रहे। आज की तारीख में जो हमारी किट है हम उसके अंदर तेल, दाल, चावल, आटा, नमक, मसाले और मैगी, बोनवीटा तक के पैकेट डाल कर दे रहे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप जो ये किट में आपने जो इसकी क्वांटिटी है उसको हाफ किया ताकि लोग इसको स्टोर ना कर सकें, तो ये आप कैसे इसको निर्धारित करते हैं या कैसे आप इसको समझ पा रहे हैं कि कौन परिवार या कौन व्यक्ति इसको स्टोर कर रहा है? ये कुछ आपके पास इसका कुछ पैमाना है कि या कोई ऐसी जजमेंट कि ये व्यक्ति इसको स्टोर कर रहा है? जी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारे जो मानसिंह भैया के पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उन बच्चों की एक टीम हमने बनाई है। उसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं और जो डिफरेंट लोकेशंस पर रहते हैं हमने उस टीम को जिम्मेदारी दी है कि आप अपनी गली की जिम्मेदारी उठाएं, आप अपने क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपका एक एरिया है, आप भी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है तो आपको भी घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हम सबको पता होता है कि हमारी गली में कौन से घर के अंदर कौन सा व्यक्ति इस समय भूखा है, तो हम उससे ये लीड लेते हैं और वहां से हम बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि हमें ये हमारे विश्वास पात्र लोग हैं तो हमें कोई गलत लीड नहीं मिलती है और उस लीड के थ्रू हम उन लोगों तक राशन प्रोवाइड कराते हैं। जी जी जी, ताकि वो राशन जो है वो सिर्फ जरूरतमंद आदमी तक ही पहुंचे। जी मानसिंह जी, तो आप हमें ये बताइए कि आप जिन लोगों को ये राशन प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें से कुछ परिवार ऐसे भी होते होंगे जिनके पास बहुत कम समय का राशन होता होगा या फिर ये कह सकते हैं कि एक समय का राशन होता होगा और वो व्यक्ति अपने स्वभाव स्वाभिमान के कारण आपसे अप्रोच नहीं कर पाते होंगे या फिर वो किसी से सहायता की पुकार नहीं लगा पाते होंगे, तो आप उस समय क्या करते हैं मानसिंह? देखिए, कांतिनगर में मैं वैसे झांसी से बिलोंग करता हूँ, कांतिनगर में मुझे मतलब यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते लंबा टाइम हो गया तो मुश्किल बहुत इसको जानता हूँ। अब जो बच्चे हमें पहले पढ़ रहे हैं या कॉलेज के बाद कुछ और कर रहे हैं तो मुझे मुश्किल पता रहता है किस बच्चे की क्या कंडीशन है, तो हम कैसे निर्धारित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक अंदाज हो जाता है कि वो बच्चा आता था उसकी फीस थोड़ी वो आधी दे पाता था, प्रॉब्लम्स रहती थी, तो हमने क्या करा है जैसे पतंजलि ने आपको बताया था कि हमने अपने
हर गली से बच्चे पढ़ने मेरे पास आते हैं, तो मैंने क्या करा कि बच्चों से कहा कि आप ये देखो किस बच्चे के पास में कौन सी फैमिली ऐसी है जिनके पास दिक्कत जाता है, और अगर मुझे लगा कि कोई फैमिली ऐसी है, जैसे मान लीजिए आपने बताया कैसे स्टैंडर्ड आप डेवलप करते हैं, तो अभी एक हमें जगह पता चला था कि एक लेडी है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या करा कि अपने फाइल को बेच दिया, और एक लड़की हमारे यहाँ पड़ती है उसके पिता पैरालिसिस है, तो हम क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए जंबो पैक बनवाते हैं, तो वो जंबो पैक कम से कम उनके 15 डेज तक काम आता है। एक्चुअली जो आपका सवाल है मिस्टर वीरेन, तो जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वाभिमान की वजह से हमारे पास नहीं आते हैं। जी जी जी, वो आप उनको कहां से ढूंढते हैं उनको? जी जी जी, उसका पता हमें इस तरह लगता है, जैसे हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी को मालूम है कि मेरे पड़ोस में कौन व्यक्ति है कैसा है, जैसे अभी जो मानसिंह जी ने एग्जांपल दिया जिस लेडी ने अपनी फाइल बेची थी, उसके बारे में मुझे मेरी मम्मी की सहेली के थ्रू पता लगा, मेरी मम्मी को वो फोन पे बता रही थी, तो जब मेरी मम्मी मुझसे मेरे सामने ये बैठ के बात कर रही थी, तो मैंने जाकर के पूछा कि क्या कारण था, क्या रहा ऐसा, तब हम फिर खुद उसके पास गए, हमने जाके पता किया, और फिर हम इस तरह से उन लोगों तक पहुंचते हैं। अभी एक एग्जांपल जो मानसिंह सर ने ही हमें बताया था कुछ दिन पहले, उन्हें पता लगा था कहीं से कि एक परिवार है जो सूजी को भूनकर और उसमें पानी मिला के खा रहा है, तो इस तरह की विकट स्थिति है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता, वो मांगना नहीं चाहता क्योंकि उसका स्वाभिमान उसके आड़े आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी को पता ना लगे और हम उस तक उस राशन को पहुंचा सकें। वो हमसे मना भी करते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमें उनकी हकीकत का पता होता है, फिर भी हम उनको राशन को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो वतन जी, मुझे ये बताइए कि आपके इस कार्य का जनता को कैसे पता चल रहा है, और आपके पास जो ये लोग हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? शुरुआत में तो जो जनता को पता लगा, वो जैसे बच्चे जो हमारे पास, जो हमारे आसपास के लोग थे, उन्हें हमने राशन प्रोवाइड किया, फिर उन्होंने माउथ टू माउथ दूसरे लोगों को बताया, इस तरीके से वो चैन बनती चली गई और लोग हमारे पास आते चले गए। इसके अलावा जब हम फेसबुक पर अपने इस काम की पोस्ट डाला करते थे, तो कुछ लोगों को फेसबुक के थ्रू पता लगा, कुछ लोगों को हमारे रिलेटिव्स ने बताया फेसबुक से देखकर, तो इस तरह हमें विभिन्न क्षेत्रों से, हम सिर्फ कांतिनगर तक ही सीमित नहीं है, इनफैक्ट हम पूरी गांधीनगर विधानसभा को डील कर रहे हैं इस वक्त, और इसके अलावा भी एक शादरा विधानसभा है, शादरा विधानसभा से भी हमें कॉल आती है, और काइंड ऑफ पैन इंडिया लेवल पर हमारा मूवमेंट चल रहा है, हमें जहां से भी ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कहीं से भी कॉल आती है, जो हमें अप्रोच करता है, हम वहां तक उस मदद को पहुंचा पाते हैं। जी जी जी, तो मानसिंह जी आप एक बात बताइए कि इस पूरे आपका जो ये कार्य कर रहे हैं, जो ये आप जनता की सहायता कर रहे हैं, क्या आपको इसमें कहीं कोई राजनीतिक सहयोग मिल रहा है? नहीं, राजनीतिक सहयोग तो नहीं मिल रहा है, बस हमारा फ्रेंड सर्कल है, थोड़े से हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, और तो ऐसा है कि हम कई सारे और सामाजिक काम करते रहते हैं, तो लोगों को पता रहता है कि अगर हम पैसा ले जा रहे हैं उनसे तो कहीं अच्छे काम नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा सा यही है कि हमारा जो सर्कल है वही सपोर्ट कर रहा है, और वैसे ना तो हमें एमपी से कुछ मिला, ना एमएलए से कुछ मिला, ना पार्षद जी से हमारी कोई बात हुई है, ना ही विधायक जी से कोई बात है, ना ही कोई पीएम सीएम से, कोई कुछ भी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो भी कर रहे हैं इंडिविजुअल अपने ही लेवल पर। ये तो एक काफी सोचने वाली बात है कि आप जो भी समाज की सेवा कर रहे हैं वो केवल अपने ही स्तर पर कर रहे हैं, और एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, और राजनीतिक आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। वतन भटनागर जी, इसमें आप हमें बताइए कि अगर कोई राजनीतिक सहायता मिले तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो अभी आपकी प्लानिंग चल रही है, जिस लेवल पर आप इस काम को चला रहे हैं उसी तरीके से चलाते रहेंगे? देखिए, जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि हम 50-60 परिवारों को राशन दे पा रहे थे, धीरे धीरे जैसे हमें डोनेशन ज्यादा आना शुरू हुआ, हम उसको 100 परिवारों तक ले गए, आज हमारे हालात ये कि हम कम से कम 200 परिवारों को डेली राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें इंडिविजुअल लेवल पर हम 200 लोगों को राशन अभी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और अगर इसमें हमें राजनीतिक सपोर्ट और मिल जाती है, तो हो सकता है हम 1,000 या 1,500 लोगों को राशन प्रोवाइड करा पाए, तो हम तो अपना काम कंटिन्यू रखेंगे चाहे हमें राजनीतिक सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन
अगर हमें राजनीतिक सपोर्ट मिलती है, अगर हमें कहीं से फंड्स आते हैं, तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर। अच्छा वरपतन जी, इसमें आप मुझे एक बात बताइए कि जो राजनीतिक सपोर्ट, अगर सपोज कुछ राजनीति के लोग आपको आए और केवल वो आपको दिलासा दें लेकिन कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ना दें, तो उस स्थिति में आपका क्या रहेगा? आपका मनोबल बना रहेगा, टूटेगा, या फिर जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहेंगे? देखिए, अभी तक भी हमें सपोर्ट नहीं मिली है। अगर वो आते हैं, दिलासा भी देते हैं, बाद में कोई चीज नहीं भी मिलती है, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम, हमारे एक टारगेट है, हम कम से कम आज भी 200-250 परिवारों को डेली अपनी तरफ से राशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो हमारे मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी अपनी एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें आगे से और ज्यादा फंड आने लग जाए, हमें जरूरत ही ना पड़े राजनीतिक उसकी सपोर्ट की, तो हमारे मनोबल पे सपोर्ट मिलने या ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 जी, आप जो ये, आप जो ये अपना जो मिशन चला रहे हैं, इसमें आपकी जो टीम है, आपके जो साथी हैं, वो कौन कौन है? हमारी टीम में देखिए, पहले तो हमारे विद्यार्थी हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो हमेशा आगे रहते हैं। साथ में हमारे पड़ोस में भैया हैं, उनकी पूरी फैमिली, उन्होंने अपना पूरा घर हमें दिया हुआ है, तो उनका, उनकी बीवी कमलेश, भैया का नाम राजकुमार है, और उनके दो बच्चे हैं वो हैं, उनके बड़े भाई के बच्चे, एक ही फैमिली के लोग हैं। फिर भी हम ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, और वो साथ में हमारे काम करते हैं, और साथ में हमारे विद्यार्थी हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो भी उसके साथ रहते हैं। तो ऐसे एक हमारी टीम है, क्योंकि देखिए अकेले एक आदमी वहाँ से राशन उठाए, फिर आके उसके किट बनाए, फिर वही डिलीवर कराए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अभी प्लान क्या है कि हमारी टीम कम से कम 15-17 लोगों की है, और जो वॉलंटियर गलियों में रहते हैं, विद्यार्थी हमारे, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो टीम हमारी लगभग राउंड अबाउट, आप मान के चलिए कि टीम हमारी अभी 30 लोगों की टीम लगभग काम कर रही है। जी, तो आप सब ने देखा रतन भटनागर जी और मानसिंह किस तरह वो जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं, और यही नहीं, वो उनका अपना पैसा जो उन्होंने अपने परिवार के लिए रखा था, अपने लिए रखा था, वो आम जनता के लिए वो खर्च कर रहे हैं। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। आर टाइम्स स्मार्ट टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बताते हैं आम जनता में से कुछ ऐसे लोग जो अपना स्वार्थ छोड़कर जनता की सहायता कर रहे हैं, और ऐसा एक मिशन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं जिसमें जरूरतमंद लोगों को कहीं ना कहीं छोटे और बड़े रूप में साथ मिले। आर टाइम स्मार्ट टॉक प्रोग्राम हमेशा आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आएगा और आता रहा है, जिसको देखकर आप कभी बोर नहीं। तो जिस तरीके से इस वक्त हमारे देश में ये महामारी फैल रही है, और एक दूसरे से इस बीमारी को फैलने का एक सबसे बड़ा कारण है, तो इस समय इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप टीम एक साथ है, पैकेजिंग भी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, रिसर्च भी चल रही है, और बहुत सारे लोगों के साथ आपका मेल मिलाप भी हो रहा है। तो वतन जी, इसमें आप बताइए कि आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं इस महामारी को जो फैल रही है? जी, सबसे पहले तो हमने इसमें ध्यान रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का। हमारी जो भी टीम है, हम उसको कहीं भी इकट्ठा नहीं करते। हमारे जितने लोग हैं, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। जैसे अगर हम सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करें, तो एक गलियों में हमने डिवाइड किया हुआ है, इसके सेक्शंस बनाए हुए हमने, कि इस गली की जिम्मेदारी इसके पास है। हम उस गली में उस वॉलंटियर के पास जाकर अपना राशन ड्रॉप कराते हैं, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से लोग आके उसको उठाते रहते हैं। इसके अलावा जो पैकिंग वाला आपने बताया, जिस वक्त हम पैकिंग करते हैं, हमने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है, उस वेयर हाउस में पैकिंग करते टाइम हम इस बात का ध्यान रखते हैं कोई भी पास पास ना बैठे, और जब हम पैक कर रहे होते हैं, सब हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सबने मास्क पहना हुआ होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं, और उन ग्लव्स को भी हम सैनिटाइज करने के बाद पैकिंग शुरू करते हैं। तो जिस वक्त आप ये अपना फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फूड पैकेट के साथ में आप क्या उनको इस बीमारी के बारे में भी जानकारी देते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, हम उन्हें बताते हैं, जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं तो उनके मन में क्या है, फोबिया बैठ गया है तरीके का डर। कई लोगों को मालूम नहीं है कोविड 19 है क्या, लेकिन कई लोग मानते हैं कि हवा से फैल रहा है, कुछ कुछ मानते हैं, कुछ कुछ मानते हैं। तो हम उन्हें अवेयर कराते हैं कि देखिए अगर चैन सिस्टम खत्म होता है तो आप हेल्दी रहेंगे, सबसे पहले आप इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाइए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो गर्म पानी या काढ़ा वगैरह पीजिए, साथ में ये है कि आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए, अगर कहीं आप बाहर जाते हैं तो आप घर आके वो कपड़े चेंज करके नहा लीजिए। तो मैं कई बार क्या करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस में भी लोगों की बात करता हूँ तो उन्हें बताता हूँ कि किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रखें, और जब हम राशन भी डिलीवर करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, सर्कल बना के लोगों को उनमें खड़ा करते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई किसी को छुए ना, किसी को ऐसी बात ना। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनको क्या आपके इस कार्य से कोई आपत्ति, कोई डर, कोई कोई ऐसी चीज है आपके जो साथ में आपके जो रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी माँ बहुत परेशान है, वो गांव में है, मैं दिल्ली में अकेला हूँ इस समय, तो उन्हें बहुत डर लगता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ परिवार है तो चिंता तो होती है, और लेकिन वो इस बात को लेकर खुश भी है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोग करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ऐसा लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है हम सब कुछ कर पा रहे हैं। चिंता तो उन्हें रहती है कि खैर बेटा हूँ मैं उनका, लेकिन फिर भी तरीके से क्या क्या अपने हाइजीन का और लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, और अपने रिलेटिव्स को भी हम सजेस्ट करते हैं कि वो भी अपने परिवार में फोबिया फैलने से रोके, और सबसे पहले ये है कोरोना रोका जा सकता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बचाव ही, मतलब तरीके से प्रिवेंशन ही आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। आप जहाँ पर रहते हैं, आपके जो मकान मालिक हैं, क्या वो इस बात से कहीं कुछ चिंता अपनी या कोई डर ऐसा जाहिर करते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, उनका नाम विजय जैन है, उनके पिताजी का नाम पीपी जैन है, और एक तरीके से वो बहुत ही जनरस व्यक्ति हैं। उन्होंने, जैसे मैं टेनेंट हूँ उनका, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप खाना वाना भी ऊपर खा लिया करो और आप बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से रहो, रेंट के लिए भी एक बार भी हमसे नहीं बोला। और लेकिन यही है कि हम ध्यान रखते हैं किसी को हम अपने घर में लेके नहीं आते हैं, अगर हमें कुछ भी डिलीवर करना होता तो हम बाहर स्लिप पर रख लेते हैं और सबके जाने के बाद स्लिप को हम धो लेते हैं, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं, होने भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैन धर्म में सबसे पहली लाइन यही है अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो, तो इस बात को अच्छे से फॉलो करते हैं। अच्छा मानसिंह जी, एक बात आप हमें और बताइए कि जिस तरीके से बहुत सारे जो NGOs हैं, बहुत सारे लोग अपने स्तर पर जनता की सहायता के लिए, निडी लोगों की सहायता के लिए पका हुआ भोजन दे रहे हैं, वो चाहे खिचड़ी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे पूरी हो, सब्जी हो, इस तरीके का रेडी टू ईट भोजन दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पास थोड़ी दूरी पे यहाँ पे कृष्णानगर थाना है, तो कृष्णानगर थाने पुलिस स्टेशन में खाना मिलता है, तो वहाँ क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर रहता है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, डिस्टेंस लेके चलते हैं, और खाना डिलीवर होता है तो खा के चल भी देते हैं घर। लेकिन एक बार मैंने गली में क्या देखा था शुरुआत में, कि एक बार एक आदमी रिक्शे पे खाने के पैकेट्स लाया, तो लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए कि वो व्यक्ति परेशान हो गया। अब देखो ना तो मैं उस व्यक्ति की गलती बताता हूँ, ना मैं लोगों की गलती बताता हूँ, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर हम खाना पकाते हैं तो लोग खाना पका लेने से कतराते हैं, क्योंकि बनाने वाला पता नहीं ये इकट्ठे या ठीक है, बांटने वाला ठीक है या नहीं है, और आपने सुना होगा इसके बारे में कि अगर पॉलीबैग्स हैं कपड़े हैं तो भी वायरस काफ़ी दिनों तक जिंदा रहता है, और पका हुआ खाना केवल एक दिन के लिए पर्याप्त है, इसलिए। अच्छा, तो ये तो आपने एक बहुत ही पते की बात बताई कि अगर आप खाना उनको बना कर देंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और संक्रमण की जो कीटाणु हैं उनका बहुत ज़्यादा फैलने का स्कोप बढ़ जाएगा, तो ये आपने जो सोचा ये बहुत ही अच्छी सोच है, और इससे संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ये आपका बहुत ही अच्छा है। तो आप मुझे एक बात और बताइए कि जो भी आप ये राशन दे रहे हैं तो क्या आपके पास उसका कोई ब्योरा है, उसका कोई रजिस्टर है, तो ये आप
कैसे कर पा रहे हैं ये? देखिए ऐसा है कि हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर हमने मेंटेन किया था, फिलहाल वो काफी दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि हमारे पास बल्क में लोग आते हैं तो एकदम से सबके नाम लिखना मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हम नाम लिखते हैं ना तब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आप देखिए लोग इतने परेशान हैं कि वो खड़े हो जाते हैं और उन्होंने जल्दी से, अब हम क्या करते हैं कि नाम लिखने में अब हम नाम लिखते हैं, घर में कितने लोग हैं ये भी लिखते हैं और साथ में वो कौन सी जगह रहते हैं ये भी लिखते हैं। तो रजिस्टर हमने मेंटेन किया हुआ है, उसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब लोग ज़्यादा हमारे पास आने लगे तो रजिस्टर पर मेंटेन करना हमें बंद करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि नाम लिखने में अगर 30 सेकंड भी लगते हैं पूछने में बताने में, एक तो लोग क्या करते हैं नाम जब बताते हैं तो मास्क उतार लेते हैं, कई बार इतना बताते हैं तो डर लगता है कि किसी के ऊपर थूक के छींटे ना चले जाएँ, किसी को छींक ना आ जाए, तो फिर हमने क्या करा कि बस अच्छी तरह पूछा कहाँ रहते हो कितने लोग हैं, फिर हमने ऐसे देना स्टार्ट कर दिया, तो वो रजिस्टर भी हमारे पास। तो क्या आपके पास उनका कोई डेटा है, आधार नंबर या कोई फोन नंबर या किस गली में रहते हैं? 12 अंकों की आधार संख्या लिखना, मैंने जैसे आपको बताया उसमें क्या करना, हम ऐसे पूरा डिटेल में बनाते हैं कि नाम, पिता का नाम, आधार संख्या सब कुछ लिखते हैं, तो उसमें काफी समय लग जाता है, तब तक हमारी गली में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते। एक बार क्या हुआ था कि हम राशन बांट रहे थे तो भीड़ थोड़ी ज्यादा इकट्ठी हुई, तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, तो पुलिस वाला आया वो हमारी फोटो खींच के ले गया, तो भाई हम भीड़ लगवाते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी और पे दिक्कत आए, किसी का परिवार इंफेक्टेड हो, तो लोग आते हैं हम देते चले जाते हैं क्योंकि भीड़ नहीं होनी चाहिए गली में, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए अगर आधार संख्या का नाम सब डेटा लिखता हूँ तो कम से कम ये लिखने में कम से कम आपको 3 या 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो हम क्या करते हैं नाम, कितने लोग रहते हैं, कौन सी गली में हो, बस इतना करते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास एक रजिस्टर मेंटेन है जिसमें आपको पूरी जानकारी है कि किस व्यक्ति को आपने कितना सामान दिया और किस समय दिया? जी। अच्छा, जो आपने भी मुझे बताया कि जो नेबर्स हैं, नेबर्स ने पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस वाले आए फोटो खींच के ले गए, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई क्योंकि हमने डिस्टेंस तब भी मेंटेन कर रखी थी, कुछ नहीं था, बस उनकी शिकायत ये थी कि आपको इतनी भीड़ नहीं लगवानी चाहिए, तो मैंने कहा कि अब लोग आ जाते हैं बल्क में और फिर क्या होता है कि बीच में घुस के लोगों को मेंटेन करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस समय लोग इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि उन्हें जहाँ भी उम्मीद की किरण दिखती है वहाँ लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को संभाल पाना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो इस बार आया उसने हमें यही समझाया कि आप डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, हमें ऐसे प्रशासन से या लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे आप जानते हैं कि समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो आपको एक्सेप्ट करने वाले, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरे भी, तो आप कुछ भी करिए लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो रहती है। तो वतन जी, आप मेरे को ये बताइए कि जो भी आप ये वर्क कर रहे हैं, जो भी आप ये फूड पैकेट बांट रहे हैं, ये आप अपने एरिया में बांट रहे हैं या फिर दूसरे एरिया में भी बांट रहे हैं? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती है कि किसको फूड की जरूरत है, किसको कहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है, वो सब हमें फेसबुक और सोशल मीडिया या ट्विटर के थ्रू आती है। हमारी एक पूरी टीम है जो ट्विटर पे भी एक्टिव है और फेसबुक पे भी एक्टिव है, लोग हमें टैग करते हैं, उसमें हम टैग के पास हमें ये पता लगता है कि कहाँ पर किसको राशन पहुँचाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अर्पिता मैम है, वो रांची में रहती है, लेकिन उनके शहर के कुछ लेबरर गुड़गांव में फंसे हुए थे, तो अब हमारे यहाँ से कांतिनगर से अगर हम गुड़गांव की दूरी लगाएं तो मोर देन 50 किलोमीटर्स बैठी, हमने यहाँ बैठे हुए उस परिवार को राशन प्रोवाइड कराया। अब अगला सवाल आता है कि राशन हमने वहाँ कैसे प्रोवाइड कराया, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें ये पता लग गया कि जरूरतमंद परिवार है तो जो अमाउंट हमारे पास डोनेशन का आ रहा है हम उस बंदे को बोलते हैं कि आप किसी भी पास की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से जरूरत का सामान खरीदें। उस जरूरत के सामान में आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाले होते हैं, वो खरीदने के बाद हमें फोन करता है, हम दुकानदार को पेटीएम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये मूवमेंट है, अब जैसे हमारी एक टीम है, हमारी टीम का एक मेंबर है भाविन बलोड़ी, वो तेलंगाना में इस वर्क को कर रहा है, तो तेलंगाना से वो कोई पोस्ट करता है, कहीं से उसको जानकारी मिलती है या हमें कहीं से मिलती है तो हम उसको टैग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक ये पूरा मूवमेंट पैन इंडिया लेवल का है, ये सिर्फ हमारे सिर्फ गांधीनगर विधानसभा तक लिमिटेड नहीं है, हमें जहां से भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसी भी इंफॉर्मेशन आती है, हम हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका कार्य है, ये आपको क्या लगता है कि ये कितना सफल हुआ है या फिर और कितना सफल होगा?
कार्य कितना सफल हुआ है, कितना सफल होगा, अब ये तो आने वाला टाइम तय करेगा। वैसे मेरा मानना तो ये है कि जब लोग भूखे होते हैं तो हमने सफलता सफलता नहीं देखी, हमने ये देखा कि हम अच्छा क्या कर सकते। इस समय इम्पोर्टेंट हमें ये लगा कि हम बेहतर क्या कर सकते। अब आगे भी ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमारा मनोबल अब भी उतना ही मोटिवेट है और हमारे टीचर हैं, हमारे मित्र हैं, अभी हमें मोटिवेट करते रहते कि आप चिंता मत करो, हम इसे आगे तक खींच के ले जाएंगे, 3 तारीख तक चलाएंगे। इवन 3 तारीख के बाद ऐसा तो हो पानी कि लोगों को तुरंत ही पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे 4 तारीख से, उसके बाद भी किसी को नीड होती है तो करेंगे उसकी मेहनत। तो मानसिंह जी, जिस तरीके से आप ये एक बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य के लिए आपको सकारात्मक सोच वाले लोग मिलेंगे, सकारात्मक आपको टिप्पणियां मिलेंगी, लेकिन इसी के साथ आपको नकारात्मक टिप्पणियां भी मिलेंगी। तो उन नकारात्मक टिप्पणियों के लिए आप कितने तैयार हैं? देखिए बिपिन जी, कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि गुलाब में कांटे होते हैं, मैं तो आभारी हूँ उन कांटों का जिनमें गुलाब दिखते हैं। आप देखिए, ये तो अपना अपना एटीट्यूड है कि आप क्या देखते हैं। तो नकारात्मक सकारात्मक, मैंने पढ़ा था कहीं कि तारे जब दिखाई देते जब खाना अंधेरा होता है, तो जाहिर सी बात है ये टिप्पणियाँ तो चलती रहेंगी, हम टिप्पणियों पर ध्यान देंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी आदमी आपसे, सारे के सारे लोग आपसे कभी प्रसन्न जिंदगी में हो ही नहीं सकते, तो सबको साइड में रख के, अपने ईगो साइड में रख के, हमें चलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों की हम हेल्प कर सकते। जी 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 जी। अच्छा वतन जी, आप मुझे बताइए कि इस कार्य को करने में आपको जो शुरू में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा या अभी भी करना पड़ रहा है, तो वो परेशानियाँ किस तरह की हैं, वो कैसे चैलेंजेस हैं जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं? जी, इस कार्य को करने में जो सबसे बड़ी परेशानी हमें आई वो फंड्स की ही थी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेली 8 से 9 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट है राशन खरीदने की, तो हमारे पास जो डोनेशन आती है वो एक लिमिट में आती है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम जिनसे कह सकते हैं फोन पे कि आप हमें डोनेशन दे दो, वो एक लिमिट है उन सबकी, क्योंकि जॉब किसी की भी नहीं है, काम किसी के पास नहीं है। तो हम रोज इस बात को सोचते थे, मानसिंह जी मुझे रोज कहते थे कि वतन आज का तो हो गया, कल का कैसे होगा। तो फिर मैंने इनसे यही कहा था कि देखो कल का भी देखा जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो हमें रुकना नहीं है, हमें चाहे घर से लगाना पड़े अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 2-3 दिन इस तरह से किया भी, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे इस बार इस एफर्ट को देखते हुए कुछ पड़ोसियों ने कुछ किस तरह से, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फंड्स का ही आया था, इसके अलावा हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी रही कि शायद वो चाहता है कि हमारे हाथ से ये काम होता रहे, तो उसके बाद हमें फिर फंड की दिक्कत इतनी आ नहीं रही है। हम सोचते हैं कि कल का क्या होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक से ऊपर से कहीं ना कहीं से हमें वो फंड्स अवेलेबल हो जाते। जी जी जी। तो मानसिंह जी, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो भी आपके सामने परेशानी आ रही हैं या आए, जो परेशानियां थी तो वो कैसी थी? क्योंकि वतन का एक अपना पर्सपेक्टिव है और आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, जैसे कि पुलिस आई और नेबर्स ने कंप्लेंट की, तो कुछ और भी ऐसी परेशानियां हैं क्या जो आपने अपने लेवल पर फेस किया है? हमारे साथ में परेशानियां सबसे ज्यादा ऐसी बात की थी पहले तो कि फंड कहाँ से, बतन ने बताया वो फंड वाली बात तो थी थी हमारे साथ में, और दूसरी परेशानी मेरे साथ में सारी बात ये है कि कुछ लोग अपने मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब समझते नहीं है बात को, ऐसा कहो कि ऐसा थोड़ा मैं, जो लोग लायक हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में लोग आते हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग लेके लोगों को लेके हमारे पास आते हैं, जबकि वो उन्हें खुद इतना उपलब्ध करा सकते हैं कि उनकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। अब अगर मैं उन्हें कुछ भी कहता हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मुरल सिखा रहा हूँ, तो ये एक समस्या वाली बात होती है। और साथ में क्या है कि लोग राशन लेने आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो कई लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, कई लोग बिना मास्क लगाए आ जाते हैं, कई लोगों को तो मैं ऐसे देख कर छोटे छोटे बच्चों को साथ में ले आते हैं। तो आप शायद इस समस्या से निपट जाओ, लेकिन अगर मान लो आप संक्रमित हो जाओ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके साथ में। तो लोग बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को मतलब हाथ में ले आते हैं, और कई बार क्या होता है कि राशन डिलीवर कराना है हमें, और डिलीवरी के साथ साथ में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं
पहुंच नहीं पा रहा राशन, या मान लो हमारे पास कंडीशन भी यहाँ पता है मेरे पास दिक्कत हो जाती है, तो हम किसी न किसी से सपोर्ट लेना पड़ता है कि आप जरा राशन यहाँ से 150 किलो आटा वहाँ से उठा के लाते, यहाँ रखना वहाँ रखना बड़ी बात है। जी 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 जी। तो मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे जो आपने जो चैरिटेबल आपका वर्क चल रहा है, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो आपने क्या सीखा है। मानसिंह जी, देखिए मैंने इस बात से इस मोमेंट से कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले एक बड़ी इंटेंशन चाहिए। जैसे हमारे पास और मतलब हमारे सर्कल में जितने लोग थे उनके पास लिमिटेशन थे, लेकिन जब हमने करना स्टार्ट किया तो वो कहावत है ना, गुड माइंड गुड फाइंड, तो हमें लोग मिलते ही चले गए। आप शुरुआत में जब मैं बतन से मिलाता तो बतन ने मुझे कम से कम 500 kg मतलब 500 किलो आटा डोनेट किया, जो एक हमारे लिए ह्यूज अमाउंट था आटे का। तो हमने क्या करा कि इससे हमने ये सीखा कि टीम वर्क से आप कोई सा भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने 30 लोगों की टीम बनाई है, वो 30 लोग 30-30 को ही बताते हैं ना, तो उससे अगर मान लीजिए एक बंदा अगर मैं 100 ही रुपये डोनेट करता है और हमारे पास 900 लोगों की टीम बन जाती है, तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और मैंने ये सीखा कि लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वो सेव मनी फॉर रेनी डेज, मतलब थोड़ा सा पैसा अपने भविष्य के लिए बचा के चलें ताकि वो कभी मांग के चीज। जी वतन, आप क्या शेयर करना चाहेंगे, आपने क्या सीखा? जैसा अभी भैया ने बताया कि इस महामारी के दौरान हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हम जो भी कमाते खाते हैं, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने आज जितना कमाया है हम उसे आज ही उड़ा दें। हमें इस दौर के लिए, इस महामारी के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा के रखना चाहिए ताकि हमें इस तरह से इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी जी जी। तो ये तो सवाल हुआ कि आपने क्या सीखा, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप कुछ ऐसी बातों को भुलाना चाहेंगे या कुछ ऐसी बातों को अंडू करना चाहेंगे, अनलर्न करना चाहेंगे इस दौरान, कि मैंने ये तो सीखा है लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि मैं ये ना करूं, तो कौन सी ऐसी कोई दो बात बताइए कि जो अपनी आप लाइफ में इस जो लॉकडाउन के टाइम पर आपने लर्निंग ली है उससे आप अपनी दो चीज़ों को निकालना चाहेंगे? जी, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। दरअसल जिस दिन सबसे पहली बार मैंने फेसबुक पे इसके रिगार्डिंग पोस्ट की थी, तो मुझे मेरी एक मित्र का नीचे कमेंट आया था कि ये किस तरह का काम है, दूसरों से लेकर दूसरों को दे देना और खुद हीरो बन जाना। तो इस तरह की जो नकारात्मकता वाली बातें आई थी, तो हमने डिसाइड किया कि ना तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। हमने उसको इग्नोर किया, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया, और इसी तरह की हमें अनेकों नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने सिर्फ एक ही लर्निंग को याद रखा जो हमें इस लॉकडाउन के थ्रू ही मिली, कि नकारात्मकता ही नकारात्मकता से भरे पड़े हैं लोग, खुद कुछ करना ही चाहते हैं और दूसरों को करने देना नहीं चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने जीवन से ऐसी नकारात्मक बातों और नकारात्मक लोगों को निकाल के बाहर किया। अच्छा, तो ये आपकी लर्निंग रही कि आपने सकारात्मक चीजों को एक्सेप्ट किया और नकारात्मक चीजों को दूर किया। जी मानसिंह जी, आप बताइए कि आपने किन चीजों को अपने से दूर किया? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूं, जैसे कि मेरा मानना है, जैसे अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका नेगेटिव लव का उल्टा हेट भी होगा। तो देखिए, ये लव और हेट एक ही सिक्के के दो पहलू। मैंने वो सिक्का ही फेंक दिया। आपने सुना होगा कि कबीर का संसार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। वाह, जो आ रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है। और देखिए, लोगों से हमने एक ही बात कही कि देखिए हम अन्नदाता नहीं है, ये तो थैंक यू गॉड का कि मैं रात को सोता हूँ तो प्रार्थना करके सुबह उठता हूँ तो मैं थैंक यू कहता हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे गांव में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला अब तक, हमारे एरिया में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बातें खत्म हुई मेरे जरिए, जो है ठीक है, अच्छा है। जी 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 जी। तो अभी हम इस प्रोग्राम को पूर्ण विराम देते हैं ताकि हम आगे दोबारा से आपसे मिल सकें,
तो आखिर में मेरा एक सवाल है कि क्या आप जो आपके जो एरिया के या फिर जो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए कोई आप कोई बात या कोई संदेश आप देना चाहें तो मानसिंह जी? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सिर्फ खेड़ाने की बात कही थी वो इंटरनेशनली इधर है कि जीतने वाले कोई भी काम अलग से नहीं करते, बस वो अलग से कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और रही बात है पैसों की या फंड की, तो हमारे पास अगर एक रुपया है तो ऊपर वाले के पास और वो रुपये है। आप किसी काम को शुरू तो कीजिए, इंटेंशन तो पालिए, काम अपने आप ही होता चला जाएगा। आप पहले निगेटिव हो जाएंगे तो काम भी हो पाएगा जी। वतन, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या संदेश जी? मैं यही कहना चाहूंगा इस बारे में कि जो सबसे बड़ी बात है, मुझे मानसिंह जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सोच के देखिए कि एक आदमी अपने गांव से यहाँ दिल्ली में कमाने के लिए आया है और वो एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर है जो मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपए पर मंथ कमा पाता होगा, उसमें भी वो फ्री बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। इस सब के बावजूद भी वो इतनी बड़ी महामारी के समय पर 200-250 परिवारों के लिए राशन प्रोवाइड करवाने के बारे में सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिसका महीने का किराया 10-12 हज़ार रुपए जाता हो, किराया भी निकाल रहा है, अपने कमाने खाने अपने खाने पीने का भी खर्चा उठा रहा है, ऐसे माहौल में भी जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है, तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े करोड़पति भी हमारे एरिया में ही रहते हैं लेकिन उनकी तरफ से हमें एक कौड़ी तक नहीं मिली है जिसको हम कह सकते हैं। और एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो खुद किराए पर रहते हैं और इस इतनी भावना उनके अंदर सामाजिक कार्यों को करने के लिए और सामाजिक चीज़ों को करने के लिए, एक बहुत प्रेरणादायक चीज़ है। तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे, मैं थैंक यू कहूँगा इन्हें, स्पेशल थैंक्स इनके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जी 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 जी। तो वतन भटनागर जी और मानसिंह जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि इस वक्त अब अगर हमारी टीम आपके साथ होती तो शायद हम भी आपके साथ कुछ ना कुछ हेल्प कर पाते, लेकिन इस वक्त सब कुछ लॉकडाउन है, वर्क फ्रॉम होम है और हमारे लिए भी आपके पास आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपकी सहायता अपने स्टूडियो से ही बैठकर करना चाहेंगे, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आर्ट टाइम्स के नेटवर्क के ज़रिए, आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका जो भी मिशन है, उसकी डिटेल हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देंगे। हमारे इस प्रोग्राम के एंड में नीचे जो हमारी रनिंग लाइन है उस पर देंगे, ताकि आपकी जो ये आपका जो मिशन है वो सभी लोगों तक पहुँच सके और जिस भी किसी व्यक्ति को, जिस भी किसी सज्जन को आपको सहायता देनी है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपको अकाउंट ट्रांसफ़र कर सके, पेटीएम कर सके, या जिस भी माध्यम से वो डिजिटल ट्रांसफ़र करना चाहता है वो कर सके। तो मानसिंह जी और वतन भटनागर जी, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए हमारा स्टूडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आपके साथ हमारा स्टूडियो हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद और हम जल्दी ही मिलेंगे अपने एक मानसिंह जी, वतन भटनागर जी, हमारी पूरी आर्ट टाइम्स की टीम आपका धन्यवाद करती है कि इस परिस्थिति में आप तन मन धन से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप सब जनता से ये अनुरोध है कि वतन भटनागर और मानसिंह को आप जो भी हेल्प हो सके वो हेल्प करें। इनकी हेल्प के लिए इनका हमने अकाउंट नंबर लिया है जो कि इस प्रकार है, बैंक यूको बैंक, जिसका अकाउंट नंबर है 02400011001414813। अकाउंट का नेम है वतन, ब्रांच है कृष्णा नगर, दिल्ली 110051। इसका IFSC कोड है UCBA00002040, यूको बैंक। और आप इनको पेटीएम भी कर सकते हैं, जिस पेटीएम का नंबर है 9968217913। तो आर्ट टाइम्स की टीम आप सबसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इनको सहायता करें और जो लोग सहायता नहीं कर सकते हैं आप उनको एटलीस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज, रेगुलर मैसेज या कॉल करके उनका हौसला बुलंद कर सकते हैं।
मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जो हमारे प्रोग्राम्स को रेगुलर देखते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी हमारे दर्शकों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।